इस वीडियो में हम बात करेंगे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड्रॉइड एमुलेटर को कैसे मूव कर सकते बोलकर। अब देखो मैं कैसे मूव कर रहा हूँ एंड्रॉइड एमुलेटर को, तुम भी ऐसे ही एंड्रॉइड एमुलेटर को कैसे मूव कर सकते बोलकर। तुम पहले बार एंड्रॉइड एमुलेटर को इंस्टॉल करने के बाद एंड्रॉइड एमुलेटर ऐसा रहेगा। तुम फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड एमुलेटर को रन करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसे इंटरफेस देखा, यहाँ पर देखो इस एंड्रॉइड एमुलेटर यहाँ पर मूव भी नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ पर देखो इस एंड्रॉइड एमुलेटर मूव भी नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पर जूम हो सकता है, जूम इन और जूम आउट हो सकते हैं, इसको मूव भी नहीं कर सकते। इसको मूव करने के लिए तुम क्या कर सकते बोले तो इसको यहाँ पर देखो तुम कुछ भी करो इसको मूव भी नहीं होता। इसको मूव करने के लिए तुम फाइल में जाकर सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर तुम्हारे टूल्स दिखेगा, देखो टूल्स में जाओ। तुम टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर देखो एमुलेटर दिखेगा, देखो इस एमुलेटर, उस एमुलेटर में जाकर लॉन्च इन विंडो, लॉन्च इन टूल विंडो बोलकर यहाँ पर इसको अनचेक करो, इसको अनचेक कर अप्लाई करो। अब अप्लाई करने के बाद तुम क्या कर सकते हो बोलकर, तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो रहता ना पहले से इसको रन करो। मैं इसको क्लोज करूँगा पूरा, तुम एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लोज कर और एक बार रन करो उसको। मैं और एक बार रन करूँगा एंड्रॉइड स्टूडियो को। यहाँ पर देखो तुम और एक बार रन करने के बाद तुम्हारे पास तुम रन कर रहे हो एंड्रॉइड एमुलेटर तुम्हारे पास अच्छा आएगा। देख यहाँ पर देखो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लोज कर और एक बार ओपन कर रहा हूँ। अब इसको रन करूँगा, इसको रन करने के बाद अब मेरा एंड्रॉइड एमुलेटर मूव भी हो सकता है। यहाँ पर देखो मैं ग्रिडल बिल्ड रनिंग हो रहा है, यहाँ पर देखो अब आएगा देखो एंड्रॉइड स्टूडियो। हाँ अब इसको मूव भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मूव भी इसको अब देखो इसको मूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा मिनट में आएगा थोड़ा, यहाँ पर देखो मूव भी कर रहा हूँ ना। तुम भी ऐसे ही कर तुम एंड्रॉइड एमुलेटर को मूव कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।